हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप, आशा करता हूँ सभी लोग कुशल मंगल से होंगे। आज हम टेंसेस के बढ़ते हुए क्रम में आपको अध्ययन कराने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पार्ट फोर। पार्ट फोर का मतलब हो गया डबल इंडिकेटिव सेंटेंस। ठीक है, यानी कि वे वाक्य जिसमें कब, कहाँ, कौन, कैसे आता है, तो उसको अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद कैसे करेंगे, यही आपको हम सिखाने वाले हैं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीडियो पर बने रहें, वीडियो को पूरा देखें, और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक जरूर आप लोग करें। ठीक है, क्योंकि आपकी संख्या, लाइक, यही चीज हम लोगों को जो है एनर्जी प्रदान करता है, इसलिए एनर्जी को बरकरार रखें। ठीक है, चलिए बोर्ड पर आप देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हमने बताया हुआ है पार्ट वन में, इसकी जो पहचान होती है यानी कि ऐसा वाक्य जिसमें गागेगी गो आता है तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का होता है। इसका हमने पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव पढ़ा दिया है। आज हम आपको अध्ययन कराने वाले हैं पार्ट फोर यानी कि डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक, अब यहाँ पर आप रूल देख लो। सबसे पहले क्या करेंगे कि उस सेंटेंस का WH वर्ड लिखेंगे, यानी कि कौन, कहाँ, कब जो रहेगा उसकी अंग्रेजी पहले बनेगी WH से। इसको हम WH फैमिली भी कहते हैं। इसके बाद विल शैल में से एक लगा देंगे। बताया गया है कि शैल का प्रयोग आई और बी के साथ होता है, बाकी सबके साथ विल का प्रयोग करेंगे, चाहे वो एक बचन हो, बहुवचन हो, मींस कुछ भी हो। इंस्टेड ऑफ आई एन वी, यानी फर्स्ट पर्सन को छोड़ करके बाकी अन्य कर्ताओं के साथ शैल का प्रयोग करेंगे। देन आफ्टर सब्जेक्ट लिख देंगे, अगर वाक्य में नॉट है तो लगाएंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। इसके बाद मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। देन आफ्टर ऑब्जेक्ट लिख देंगे, जो बचेगा शेष वाक्य लास्ट में लिख देंगे। यही आपका रूल है, इसी को आपको फॉलो करना है। ठीक है, वीडियो को बने रहे, वीडियो को जरूर देखें। आप लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है कि चैनल को थोड़ा आप लोग ग्रो करिए। ठीक है, अब आप लोग चैनल को थोड़ा सा आप लोग क्रेज दीजिए ताकि थोड़ा सा डेवलप हो ये, और अपने यार दोस्त मित्रों को शेयर करिए। ठीक है, आप लोगों से यही अपेक्षाएं हैं। बहुत मेहनत करना पड़ता है, इतना गर्मी है, गर्मी देख रहे हैं आप लोगों के लिए। हम चाहे बरसात हो, गर्मी हो, कोई भी हो, सब में जो है आप लोगों के लिए अवेलेबल रहते हैं। इसलिए आपसे अपेक्षाएं भी है कि थोड़ा सा हमारे चैनल को आप लोग क्रेज जरूर करें। ठीक है, चलिए देखिए कुछ ऐसे सेंटेंस हमने लिए हुए हैं। यदि आप इसका ट्रांसलेशन बनाना सीख जाते हैं तो कोई भी वाक्य ऐसा रहेगा फ्यूचर सेंटेंस का, अगर आप आता है डबल इंडिकेटिव सेंटेंस, उसको आराम से कर जाएंगे। देखिए पहला सेंटेंस कर दिया है, आप अंग्रेजी पढ़ने कहाँ जाएंगे, वाक्य की पहचान उसके अंतिम शब्द से करिए। गागेगी आ गया, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो गया। अब इसमें दिया है कि आप अंग्रेजी पढ़ने कहाँ जाएंगे, जिसमें जो WH वर्ड है वो क्या है, कहाँ, तो कहाँ की अंग्रेजी लिख देंगे आप, वेयर। पहले लिख दिया आपने वेयर, अब दोनों में से लगाना है सब्जेक्ट है यू, और यू के साथ क्या लगेगा, विल, तो पहले लगा देंगे विल। इसके बाद जो सब्जेक्ट है लिख देंगे क्या, यू। ठीक, यानी वेयर विल यू, देखो WH विल शैल में से एक, यू के साथ विल का प्रयोग होगा। इसके बाद सब्जेक्ट हो गया, नॉट है नहीं तो नहीं लगाएंगे, वर्ब फर्स्ट फॉर्म क्या है, जाना, गो माने हो गया जाना। अब इसमें देख लो दो मुख्य क्रिया दिया है, एक जाना है एक पढ़ना है, तो जब दो मुख्य क्रिया आ जाए एक ही साथ आ जाती है, तो क्या करते हैं कि दोनों मुख्य क्रियाओं को हम टू से जोड़ देते हैं, जिसे कहते हैं इन्फिनिटिव वर्ब। तो गो इसके बाद हो जाएगा टू रीड, अब बच गया आपका इंग्लिश, तो लिख दो यहाँ पर इंग्लिश। ये हो गया आपका सेंटेंस बन गया, वेयर विल यू गो टू रीड इंग्लिश। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, हमारी सहायता कल कौन करेगा, तो कौन का देखो आगे, तो कौन का लिख देंगे आप हु। अब जान लीजिए कि कौन ऐसा प्रोनाउन होता है जो सब्जेक्ट का काम करता है, यानी कि वो इंट्रोगेटिव तो रहता है लेकिन बनता किस पर है, पॉजिटिव पर। किसी भी टेंस में आता है तो उसके साथ ऐसा ही व्यवहार होता है। जिसे हम एक वचन मानते हैं तो एक वचन में किसका प्रयोग होगा, तो विल का प्रयोग होगा। इसके बाद सब्जेक्ट हमने लिख दिया, आप सब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो जो है सब्जेक्ट का काम करता है। नॉट नहीं लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, सहायता करना, तो सहायता करना का हो जाएगा help, who will help। इसके बाद जो दिया है ऑब्जेक्ट, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस दे दिया है, हमारी, हमारी का हो जाएगा us, और कल का हो जाएगा tomorrow। यानी कि कल के लिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में किसका प्रयोग करते हैं, तो tomorrow का प्रयोग करते हैं।
सो हु विल हेल्प अस टुमारो, मींस हमारे सहायता कल कौन करेगा। हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको प्रेजेंट टेंस से जो है ट्रांसलेशन अंग्रेजी यानी हिंदी से अंग्रेजी कैसे बनाया जाता है बहुत विधों से पढ़ाया गया है, अगर उसका अध्ययन करते हैं तो आपको मिलेगा धीरे धीरे जितने भी सेंटेंस हमने पढ़ाए हुए हैं सबको आपको लिपिबद्ध मिलेगा। आप नोट्स बनाए पढ़े उससे पढ़ाई करते हैं तो समझिए कि आपको अंग्रेजी का बहुत अच्छा ज्ञान हो जाएगा। आज पढ़ाते पढ़ाते हम फ्यूचर इंडिपेंडेंस का जो पार्ट 4 है पढ़ा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जो मिलेंगे तो हम पढ़ाएंगे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का कैसे बनाते हैं ट्रांसलेशन, ठीक है। अगला है वह मोहन के साथ स्कूल कब जाएगा, तो कब का क्या हो गया वेन हो गया, डब्ल्यू एस से बन गया। अब दोनों में सेट लगाना है तो सबके साथ मिल का प्रयोग करते हैं, केवल आई और वी के साथ सेट का प्रयोग करते हैं, इसके साथ भी हो जाएगा आपका वी। इसके बाद सब्जेक्ट हो जाएगा ही, नॉट है नहीं लगाएंगे, वर्ब क्या है जाना, गो मने जाना। इसके बाद होगा स्कूल, गो टू स्कूल हो गया। अब दिया मोहन के साथ, तो संगति की अवस्था में प्रीपोजिशन हमने बताया हुआ है कि विथ का प्रयोग करते हैं, विथ इसके बाद मोहन, यानी किसी का नाम हो हमेशा कैपिटल लेटर का प्रयोग करते हैं। इसका विशेष ध्यान दीजिए, इसका होगा व्हेन विल ही गो टू स्कूल विथ मोहन, यानी कि वह मोहन के साथ स्कूल कब जाएगा, ठीक है। ऐसे ही सेंटेंस आप लीजिए और आप प्रैक्टिस करिए, बनाइए, इस रूल को फॉलो करेंगे, यानी कोई भी टेंस आप देखेंगे हमारे प्लेलिस्ट में तो उसमें आपको देख एक टेंस का मिलेगा, एक वॉइस मिलेगा, एक नरेशन मिलेगा, तीनों वीडियो आपको क्रम से मिलती रहेंगी, बीच में से कोई कटिंग नहीं होगा, क्रम से मिलेगा। तो क्रम से पढ़ना हो, विधिवत पढ़ना हो तो हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां से नोट्स बनाइए और पढ़ाई शुरू कर दीजिए। देखिए आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा और आप सोचेंगे कि हाँ हमें भी अब अंग्रेजी अनुवाद या बायस हो नरेशन हो आ सकता है। अगला है वे क्यों नहीं अपना काम समाप्त करेंगे। अब देखो क्यों, तो क्यों का हो जाएगा आपका वाई, ठीक। सबके साथ हम अभी बताया कि विल का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पर भी प्रयोग होगा विल, बस यही ध्यान देना है कि आई और वी के साथ ही सेल्फ का प्रयोग होता है और वे का हो जाएगा दे। इसमें देखो नहीं दिया है तो नहीं के लिए नॉट का प्रयोग कर लीजिए। वर्ब क्या समाप्त करना, तो समाप्त करना का होता है फिनिश, समाप्त करना का हो जाएगा फिनिश। अब आप ये देख रहे हैं क्या लिखा है अपना काम, तो यहाँ अपना की अंग्रेजी क्या होगी, माई लगाए, योर लगाए, हिज लगाए, हर लगाए, क्या लगाए, ये बहुत बड़ा सवाल है और इसका प्रयोग कर्ता के अनुसार होता है, ये नहीं कि कुछ भी लिख देंगे। अगर कर्ता हमारा आई रहता तो यहाँ पर माई लिखते, यू रहता तो योर, ही रहता तो हिज, यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार पजेसिव केस का प्रयोग किया जाता है। यहाँ जब सब्जेक्ट दे है तो दे का अपना के लिए क्या होगा, तो डियर होगा, इसका हो जाएगा डियर, ठीक। इसके बाद काम को हो जाएगा वर्क, ठीक। वाई विल ही, Why will they not finish their work? ठीक है, बहुत सलीके तरीके से आपको अंग्रेजी अनुवाद बताया गया है, प्लेलिस्ट में आप जाइए वहां देखिए, बहुत आपको अच्छा बेहतरीन ज्ञान प्राप्त होगा। आपको कहीं कोचिंग क्लास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप यहीं से आपको अंग्रेजी का बेहतर ज्ञान हो सकता है और आप अपना एक सब्जेक्ट कम से कम जो है मजबूत रखिए कि कोई भी कॉम्पिटिशन हो कम से कम एक सब्जेक्ट आपका मजबूत रहेगा तो आपको और बेनिफिट वहां पर भी मिलेगा। अब यह सभी लड़के बाजार में क्या खरीदेंगे, सभी लड़के बाजार में क्या खरीदेंगे, तो क्या क्या हो जाएगा व्हाट, ठीक। अब यह सभी लड़के, तो सभी लड़के के लिए किसका प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे व्हाट विल, इसके बाद सभी के लिए देंगे ऑल बॉयज, What will all boys? नाम नहीं लगाएंगे, वर्ब क्या खरीदना, खरीदना हो जाएगा buy। अब हो गया बाजार में ले देंगे market। ये बन गया आपका What will all boys buy in the market?
आगे है आप क्या पढ़ोगे, इसको भी देख लो आप, तब क्या का क्या हो जाएगा, बट। अब यू के साथ भी किसका प्रयोग करेंगे, विल का, इसके बाद लिख देंगे यू और वर्ब होगा आपका रीड, बन गया व्हाट विल यू रीड, आप क्या पढ़ोगे। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए कुछ बेहतरीन एग्जांपल जिसका अध्ययन कर लेते हैं या बनाना सीख जाते हैं तो आप कैसा भी रहेगा फ्यूचर इनविटेंस का इंडोगेटिव सेंटेंस आप बनाना आसानी से सीख जाएंगे। अपने अंदर क्रिएटिविटी लाइए, सेंटेंस माइंड में करिए और उसको अंग्रेजी बनाना शुरू करिए। अगर ये जिस दिन आपको आ जाता है तो आपको कोई भी अनुवाद रहेगा आप आसानी से कर जाएंगे। बस आपको पहचान करनी पड़ेगी कि वह टेंस कौन सा है, उस टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है, सहायक क्रिया के साथ सब्जेक्ट का प्रयोग कैसे किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया का 0.2 को आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि उसको जो है सब्सक्राइब करिए और थोड़ा सा इसका क्रेज आप लोग बढ़ाइए अपने दोस्तों में या मित्रों में। ठीक है, आपसे यही अपेक्षाएं हैं। ठीक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पढ़ाएंगे आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का कैसे बनाते हैं हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद। तब तक देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया के 0.2। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।